हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे और आज है रक्षाबंधन, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोनों आज एक साथ ही पड़ा है, एलिफेंट चेंज नहीं किया है। और अभी हम जा रहे हैं राखी बांधने, तो स्पर्श और संपर्क दोनों रेडी हो गए हैं। संपर्क ने जो डाला था उसको ड्रेस वो नहीं डाला है, काफी रोया। उसके बाद फिर जो उस दिन डाला था वही वाला डाला है। और मैंने ये मरून कलर की ड्रेस पहनी है जो मैं बाद में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ ये बेल्ट इसमें नहीं था, ये बेल्ट मैंने अलग से लगाया है, तो मैं बाद में दिखाती हूँ। तो चलिए पहले ये लोग राखी बांध लेते हैं, उसके बाद हम फिर खाना खाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए। देखते हैं कि कब जाते हैं। दोपहर तो हो ही गई है, 11 बज गए अभी। तो चलिए पहले इस पौशंपर को मैं दिखाती हूँ, वो लोग राखी बांध लेंगे, हम लोग भी राखी बांध लेंगे और ये भी राखी बांध लेंगे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं थाली में लेके आई हूँ राखी और स्वीट्स से। और स्पर्श संपर्क का जो ध्यान है ना वो स्वीट्स पे ही है। और मेरे लिए और साधना के लिए जो मैं लास्ट ब्लॉग में दिखाई थी आप लोगों को राखी, वो राखी मेरी ननद ने भेजा है। और स्पर्श और संपर्क के लिए राखी खरीद के आया हुआ है कल इवनिंग में। और ये अपनी इनकी राखी जो है वो मेरी ननद ने भेजा था, तो वो है एक राखी। तो हम अभी जा रहे हैं फाइनली राखी बांधने के लिए। और कोई भी नहीं है, ना मेरे हस्बैंड की सिस्टर है, ना स्पर्श संपर्क की कोई सिस्टर है, इस तरीके से है ना हमारी कोई ननद है कि यहाँ पे कोई बांध दे। तो हम दोनों, हम सब ऐसे ही मिलके सेलिब्रेट कर ले रहे हैं क्योंकि राखी का फेस्टिवल है और इंजॉय करना तो बनता ही है। तो हम सब सोचे कि चलो इसी तरह हम सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, खुद से खुद को राखी बांध के, और हम रक्षाबंधन मना ले रहे हैं। क्या करेंगे जब अगर कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे स्पर्श और संपर्क दोनों बैठे हुए हैं और अभी साधना गई है कुछ लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और सोचे कि चलो अब राखी हम बांध ही लेते हैं। और यहाँ पे मैं निकाली सेल्फी स्टिक, तो हम थोड़ी सी क्लिप ले रहे हैं और यहाँ पे फिर हम बोलेंगे कि चलो राखी बांध लेते हैं अभी। तो एक्चुअली यहाँ पे संपर्क ना रो रहा है कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा। और एक टॉयज वाली राखी आई जिसमें बहुत ही अच्छा है, लाइट है उस पर, तो बोलता है कि मुझे चाहिए बट मैं उसे खेलूंगा। और वो कपड़े तक नहीं पहना है उसके लिए, जैसे स्पर्श का ड्रेस है उसी टाइप का ड्रेस पहनाया जा रहा था बट वो नहीं पहना है। बहुत ही मुश्किल से उसने नया कपड़ा पहना है, वो भी नहीं पहन रहा था। बोल रहा था जो डेली पहनता हूँ वही पहनूंगा मैं। तो यहाँ पे स्पर्श को बांध रहे हैं ये राखी, तो मैंने बोला कि संपर्क स्पर्श को बांध देगा और स्पर्श संपर्क को बांध देगा। तो वो बांध रहा है संपर्क स्पर्श भैया को, और मैं बोली कि वो नहीं बांध पा रहा, तो मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ अभी। यहाँ पे साधना ले रही है सेल्फी और यहाँ पे मैं संपर्क को टीका लगा रही हूँ, स्पर्श को टीका लगाती हूँ। और संपर्क राखी नहीं बंधवाती, स्पर्श के हैंड में आप देख रहे हैं जिसने राखी बांधा है उसमें बहुत अच्छी लाइटिंग है, टॉयज वाली राखी थी। तो यहाँ पे मैं बोली कि स्पर्श है कि संपर्क को बांध दो। तो देखो संपर्क कैसे ये भाग रहा है पीछे, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कट लगाया है। और वो मैं बोली कि ठीक है मत बांधो, आप खेलने के लिए ले, तो वो खेलने के लिए लिया है बट वो बांधेगा नहीं। और मैं उसको बोली कि एक बार बांध के निकाल दो तो नहीं। और स्पर्श को अभी मैं बांध रही हूँ, जो मेरी दी ने राखी भेजा था वो वाला राखी मैं स्पर्श को बांध रही हूँ। और जो स्पर्श की कल वाले ब्लॉग में मैं जो दिखाई थी आप लोगों से जो राखी आई हुई थी वही वाली राखी, और ये अपनी राखी निकाल रहे हैं बांधने के लिए। तो मैं बोली कि आप अपना राखी खुद ही बांध लो, मैं तो बांधूंगी नहीं आपको। तो ये हंसने लगे थे और ये राखी अपना निकाल रहे हैं बांधने के लिए। यहाँ पे मैं स्वीट्स भी खिला रही हूँ, वो भी नहीं खा रहा है। मैं पेठा और
बर्फी होता है ना वो ली हूँ प्लेट्स में, तो वो भी नहीं खा रहा है और ये अपनी राखी बांध रहे हैं। और ये एक्चुअली ना पहले राखी नहीं बांधते थे, लास्ट ईयर से ये राखी बांध रहे हैं नन्ना जब भेजती हैं तो। और यहाँ पे साधना और मेरी राखी हम निकाली है, तो हम खुद से एक दूसरे को टीका लगा दे रहे हैं और राखी तो इस तरीके से हम रक्षाबंध मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं एक दूसरे को राखी, मतलब ऐसे ही इंजॉय कर रहे हैं खुद से खुद को राखी बांध बांध के। और पता है जब हम राखी बांध रहे थे ना तो हमें बहुत हंसी आ रही थी कि ये कौन सा हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्योंकि कोई किसी को बांधने वाला राखी नहीं था यहाँ पे, सब खुद ना खुद से खुद से। और यहाँ पे मैं इनका राखी दिखा रही हूँ कि आप दिखा दो कैमरे में सबके सामने राखी। और यहाँ पे स्पर्श भी तोड़ दिया राखी अपना, और वो जो टॉय था वो निकाल लिया, और जो उसका धागा था वो उसके हैंड में है। और यहाँ पे संपर्क पीछे है, और यहाँ पे हम दोनों काफी खुश हैं साधना और मैं कि हम अपनी राखी दिखा रहे हैं। और आप लोग बताना कि हमारी राखी कैसी लग रही है, और एक्चुअली क्या था हम दूसरे हैंड में बांध दिए थे इसीलिए हमने चेंज किया अभी, तो बताइएगा राखी हमारी कैसी लग रही है। और यहाँ पे हनी और स्पर्श दिखा रहे अपनी अपनी राखी, और यहाँ पीछे संपर्क है खड़ा है बट उसने बांधा नहीं, तो बहुत ज्यादा रोया, फिर हमने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं और साधना अपनी राखी दिखा रहे हैं, और हम दोनों ने मैचिंग ड्रेस डाला है, जैसा कि मैं आपको लास्ट ब्लॉग में बताई थी कि हम कुछ मैचिंग डालने का प्लान कर रहे थे। तो आप लोग बताना हमारी ड्रेस कैसी लग रही है, और यहाँ पे हम दोनों खड़े हैं और हमारी दोनों थोड़ी बहुत मैच कर रही है ड्रेस हम दोनों की, तो आप लोग बताना ड्रेस कैसी लग रही है। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं घूमने के लिए, और हम जा रहे हैं रॉक गार्डन, और उसके बाद हम देखेंगे टाइम रहा तो हम कहीं और जाएंगे। तो रॉक गार्डन के लिए निकल गए, हमने ओला बुक किया था तो ओला घर तक आ गया था, और उसके बाद हम निकले हैं। और ये हनी आगे बैठे हुए हैं, हम सब पीछे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत तेज की बारिश हो रही थी, तो बारिश होते होते ना हम सोचे पहले जाए ना जाए, फिर सोचे कि यार छुट्टी है फिर हम निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी, और बारिश में हम 1 घंटे तक घर पे रुक के रहे, और अभी हम निकले थे 2:15 के आसपास हम, हाँ 2:30 बज गए थे हमें निकलते निकलते। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, 2:30 बजे हम करीब में निकले, और उसके बाद अभी हम रास्ते में हैं, तो चलिए चलते हैं और फिर आगे मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो यहाँ का मौसम देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और बादल हैं, और उधर बारिश हो रही थी बट इधर बारिश नहीं है बट बादल हैं। और इसके बाद हम आगे जब आगे जाएंगे ना तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, तो यहाँ पे मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सूट कर लेती हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था बादल, और मतलब अंधेरा जैसा हो गया था और ग्रीनरी बहुत ही ब्यूटीफुल था, तो मैं सोची कि चलो सूट कर लेती हूँ, चलिए आगे चलते हैं। और इधर देखिए बिल्कुल भी रोड पे बारिश नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो काफी अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ पे हम पहुंच गए हैं रॉक गार्डन,
और अभी हम रॉक गार्डन के बाहर हैं और ये गए हैं टिकट लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। एक्चुअली क्या था, 15 अगस्त प्लस रक्षाबंधन दोनों था, तो सब लोग फ्री थे, तो बहुत ज़्यादा रश थी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे संपर्क रोने लगा बुट्टा के लिए, तो यहाँ पे बाहर था बुट्टा तो देख के बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैं बोली कि चलो चलते हैं आएंगे तब, तो नहीं उसको चाहिए ही चाहिए था। तो यहाँ पे वो बुट्टा साधना ले रही है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अब मैं बुट्टा खाऊंगा, तो यहाँ देखिए उसको दे रही है। और ये गर्म भी है ना, तो थोड़ा सा वो मतलब वो हो रहा है, डर रहा था खाने से, और यहाँ पे देखिए खा रहा है, बट उसका एक्सप्रेशन देखिए, भुट्टा मिल गया, बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको भुट्टा पसंद है, तो पहले ही बोल रहा था कि मुझे भुट्टा चाहिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो अब हम जाएंगे आइसक्रीम लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे अंदर। और ये बस अभी आने वाले, मैंने इनको कॉल करी थी तो फिर ये आने वाले अभी टिकट लेके। और यहाँ पे हनी पूछने लगे थे, यहाँ एक ट्राइपॉड था तो उसका पूछने लगे थे कि इसकी प्राइस, तो मैं भी वही मैंने सूट कर लिया थोड़ा सा। और उसके बाद अब हम जाएंगे अंदर को, और अभी हम अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए जैसा रॉक गार्डन का, जिस आप लोग देखे होंगे अगर चंडीगढ़ से होंगे तो रॉक गार्डन का व्यू अंदर से बहुत ही अच्छा है। और जैसे टूटे फूटे चीज़ों से, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे कुछ चीज़ों से ही बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका व्यू रॉक गार्डन के अंदर का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, तो साधना को घूमना था तो इसीलिए हम आ गए, वरना हम नहीं आते। और क्योंकि बस हम जब घूम लो तो ऐसा लगता है कि उसकी वहाँ पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बट हाँ बहुत अच्छा है, अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ चंडीगढ़ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है रॉक गार्डन, और यहाँ अगर कोई चंडीगढ़ में आता है ना तो रॉक गार्डन ज़रूर आता है। और यहाँ पे हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे बच्चे है ना परेशान कर रहे थे, और संपर्क का क्या था ना, संपर्क यही बोल रहा था कि मैं मम्मा के साथ ही, मैं सोची कि मैं उसको ले लेती हूँ या फिर ये उसका फिंगर पकड़ लेते हैं तो उसको नहीं आना है, वो बोलता है कि मम्मा ही पकड़ेगी तो पकड़ेगी, उसी के साथ चलूंगा मैं। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान कर रहा था, और साथ में भी परेशान हो चुकी थी। और यहाँ देखिए यहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, सब लोग ऊपर चढ़ के फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, और जिसको जहाँ मिल रहा है जहाँ मर्जी वहाँ चढ़ के फोटो ले रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट करते जा रही थी। चलिए चलते हैं अंदर, और आप लोग भी यहाँ की व्यू देखते रहिए। और यहाँ पे हम चलते चलते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और गर्मी भी उसी तरह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, और अब यहाँ पे बारिश आएगी तो मौसम बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और चलने के बाद और भी ज़्यादा पसीना हो रहा था। तो अब हम हमारे फेस पे देख सकते हैं कितनी गर्मी हो रही है। और ये आगे जा रहे हैं, और ये संपर्क पीछे पीछे दौड़ के जा रहा है। और इन लोगों का, बच्चों लोगों का ना खाना पीना नहीं, बिस्किट नमकीन पानी सब लेके चलना पड़ता है हम लोगों को, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। बिस्किट वगैरह मैं घर से ही लेके चली थी, पानी 2 बोतल लेके चली थी, और क्योंकि इसमें घूमने के बाद ना बहुत बाद में यहाँ पे पानी भी मिलता है।
और यहाँ पे हम बहुत ही पतला सा रास्ता था, तो यहाँ पे मैं अब कैमरा भी बंद कर दूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी आगे जाने में। तो यहाँ पे नीचे उतर के फिर ऊपर को चढ़ना था और बहुत ज़्यादा स्लिपरी था और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी थी इसी वजह से। और साधना संपर्क को पकड़ी हुई है, मैं स्पर्श को ली हुई हूँ और ये आगे थोड़ा सा चल रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पे होने लगी है बारिश और बारिश में मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं सोची कि शूट कर लेती हूँ और आधा हम लोग भींग चुके थे और फिर भी मैं ब्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था इसी वजह से। और यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ है और सब लोग बारिश बारिश में जा रहे हैं और यहाँ मैं अम्ब्रेला लेके ब्लॉगिंग कर रही हूँ। काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी ये मोमेंट था ना, ऐसा लगा कि जब कैप्चर कर लेना चाहिए। और यहाँ देखिए स्वेटिंग भी बहुत हो रही है, गर्मी भी है, उस पर से हम लोग भीग भी चुके हैं। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कॉमेंट्स करके बताइएगा क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये ब्लॉग्स बनाया है और बारिश में बिंग बिंग के। और यहाँ पे फिलहाल हम निकलने वाले हैं, यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है। अगर यहाँ देखिए छोटे छोटे स्टैचू बने हुए हैं और जिसके पास छाता था वो छाता लिए हुए नहीं थे, सब लोग भींग रहे थे तो हम छाता लेके भी गए हुए थे क्योंकि जब हम घर से निकले थे ना उस टाइम पे हो रही थी बारिश, इसी वजह से हम छाता लेके निकले थे। और यहाँ हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ हम बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं हम लेक, प्लान बनाया कि चलो लेक चलते हैं, तो अभी हम फिलहाल लेक जा रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं सुखना लेक, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, आप ये फर्श पे ही पानी देख के समझ सकते हैं। और हमें यहाँ से रॉक गार्डन से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट लगता है, तो यहाँ हम 5 मिनट में ही, 5 मिनट से कम ही लगता है, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यहाँ का मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं की, बस साधना को घूमना था इसी वजह से हम यहाँ पे आ गए और पास में भी था। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बारिश में, बारिश ख़त्म हो चुकी और उसके बाद ये लेके आए थे नूडल्स, तो मैं और साधना नूडल्स खा रहे हैं। और यहाँ संपर्क ने बलून लिया है और वो नखरे कर रहा है संपर्क कि मुझे नूडल्स नहीं खाना है, तो उसको खाना है चिप्स, बट चिप्स यहाँ पे मिल नहीं रहा था, ये भी काफी जाके ढूंढे। और यहाँ पे साधना परेशान है, आप उसके फेस से ही देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा परेशान हो गई थी संपर्क से। और यहाँ पे मैं लेक का थोड़ा बहुत शूट कर ली क्योंकि हम यहाँ पे घूम रहे थे थोड़ा सा, तो इसी वजह से मैं यहाँ का व्यू कैप्चर कर ली हूँ। और यहाँ लेक का व्यू काफ़ी अच्छा है बारिश होने के बाद, और बारिश अभी फिलहाल ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रहा है। और लेक का भी जब मैं शूट कर रही थी बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ सारे लोग अब बारिश से जो छुपे हुए थे सब लोग निकल गए और यहाँ पे और भी लोग आते जा रहे हैं। और यहाँ मैं खड़ी हूँ, देखिए पीछे कितनी बारिश हुई है और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और सब लोग फ्री हैं। और पीछे है साधना, स्पर्श है और मैं हूँ और काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके हैं, आप देख सकते हैं फेस से ही पता चल जाता होगा। यहाँ संपर्क खड़ा है साधना के साथ और उसके बाद स्पर्श इनके साथ था और ये अब हम लोग घर जाने वाले हैं, तो ये ओला बुक कर रहे थे तो थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। और एक्चुअली हम क्या था ना, ऑटो, हम सोचे थे ऑटो में जाएंगे बिकॉज साधना को वोमिटिंग हो रही थी, वोमिटिंग होती है सॉरी, और वो आने के टाइम भी थोड़ा सा हो जाता है ना, जिसको वोमिटिंग होता है कैब में तो उसको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा। तो यहाँ देखिए मैं अपनी बेली निकाल दी हूँ क्योंकि मेरे को चुभने लगा था, पता नहीं क्या हो गया है इसमें, तो मैं बेली निकाल के फिर खड़ी हूँ खाली पैर और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में थोड़ा सा कट सा लग गया है इसी वजह से। और ये बुक कर रहे हैं ओला और
पे हम लोग ओला में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अब घर। और साधना अभी अपनी आईज बंद कर रही है, बिकॉज उसे वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है। और संपर्क अभी सो चुका है काफी ज्यादा, वो थक गया था और बहुत रोया भी वो। लास्ट लास्ट में बहुत रो रहा था कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। तो हम लोग डरा रहे थे पुलिस आने वाली है, तो आप प्लीज खड़े हो जाओ, फिर अभी हम घर चलेंगे। तो इसी वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ कर रहा था और अभी फिलहाल वो सो गया है। और यहाँ पे स्पर्श को देख के मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि कभी ऊपर कर रहा है, कभी नीचे कर रहा है अपना फेस। तो मेरे को लग रहा था कि वो भी देखिए यहाँ देख रहा है कैमरे में। सो चलिए, आप लोगों को ब्लॉग कैसी लगी जरूर बताना कमेंट्स करके, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।